फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, कई सारे कपड़ों की वैरायटियां, आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खूनी मालेगांव, प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक में। ये जो किड है ये बांधकाम कामगारों के लिए आई है। बांधकाम कामगार जो रहते हैं, बांधकाम कामगार, पेंटर, मतलब बांधकाम से जो ताल्लुक रखता है, पेंटर से लेकर वेल्डर, वीट भट्टी वाला जो भी है, सेंटरिंग वाला, वो सब लोगों के लिए ये योजना गवर्नमेंट ने निकाली है। ये योजना में लाभ है, जो मजदूरों को उसका डायरेक्ट फायदा होता है। जैसे कई बार पैसे आते हैं, अभी ये बार बर्तन आए, इक्विपमेंट आता है, जैसे बांधकाम कामगारों के लिए लगता है वो भी आता है। क्राइटेरिया बहुत बड़ा नहीं है, इसके लिए सिर्फ एक है कि वो मजदूर ने काम करना चाहिए, वो मजदूर वहाँ पे काम करना चाहिए। और उसके लिए एक ही क्राइटेरिया है कि उसने वो काम जहाँ पे करता है, तो जो इंजीनियर के हाथ के नीचे काम करता है उसका सही सिक्का लगता है, और 90 दिन उसने वहाँ पे काम करना चाहिए। इसके अंदर 30 बर्तन है, 30 बर्तन की पूरी किट है, टाकी है, कुकर है, 5 लीटर का भगोनों का सेट है, गिलास का सेट है, जग है, ऐसे मतलब घरेलू सामान किचन में जो लगते हैं उसके 30 बर्तन पूरे इसकी पूरी किट दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से। जिस वक्त मैं मतलब 2019 में मैंने मतलब ये काम की बुनियाद मतलब शुरू किया था, हमारे रमेश भाई की थ्रू और हमारे डॉक्टर DL कराड़ साहब, इन्होंने मुझे बताया था कि यार ये स्कीम ऐसी ऐसी है, आप बांधकाम स्तर कामगार महाराष्ट्र के जो लोग है, इसमें जितने भी बांधकाम कामगार है उसमें कई वर्ग है, जैसे सेंटरिंग है, प्लम्बर है, वेल्डर है, फर्नीचर है, टाइल फिटिंग है, ऐसे तमाम वर्गों के लोगों के लिए बोले ये स्कीम है, आप बोले इसके ऊपर काम करो। और मुझे फुल सपोर्ट डॉक्टर DL कराड़ का, नासिक में है वो, उनसे मुझे पूरा सपोर्ट उनका मिलता है। मेरा कोई भी काम रुकता है तो वो डॉक्टर DL कराड़ साहब उनके माध्यम से वहाँ जाकर उद्योग भवन में, कामगार ऑफिस में, लेबर ऑफिसर में जाकर मेरा काम आगे बढ़ाते हैं। स्कॉलरशिप है, पहली डिलीवरी में मतलब पैसा मिलता है नॉर्मल का, सीजर का अलग मिलता है, इस और जैसे कुछ इस हादसा हो जाता है तो उसका क्लेम दिया जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारी स्कीमें हैं इसमें। तो मेरी तमाम मालेगांव और ग्रामीण के लोगों से यही मैं मतलब उनसे उम्मीद करता हूँ कि वो लोग आके रजिस्ट्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा कराएं। रजिस्ट्रेशन के लिए मैं रौनकाबाद गली नंबर 7, तो ये मेरा एड्रेस है, रौनकाबाद गली नंबर 7, मालेगांव। मैं मानव समाचार के माध्यम से वो एक बात मैसेज देना चाहता हूँ कि ये जो काम है ये बहुत दिल खुश हुआ ये देख के, और मैं तमामी जो लोग ये काम को अंजाम दे रहे हैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। ऐसे ही अगर सब सरगर्म रहे तो गरीबों का, आवाम का अच्छा फ़ायदा होगा, और यही सोच ले के काम करना चाहिए, किसी का अपनी जात से फ़ायदा हो और लोगों को अपनी जात से लाभ मिले। गवर्नमेंट की जो स्कीमें आई उसकी मालूमात देना चाहिए, अच्छे काम करना चाहिए। यही मैं इनको सब टीम को मुबारकबाद देता हूँ। अजीम भाई है, अकील भाई है, जगताप भाई है, जो भी लोग हैं, अल्लाह इनको जजाए खैर दे और अच्छे कामों की तौफीक दे, ताकि आवाम अपने से खुश रहे और आवाम का काम होते रहे। यही सोच है मेरी और यही इरादे है, अल्लाह सबको काम करने वाला और अच्छे काम करने वाला बनाए। क्या स्कीम से पूरा फ़ायदा उठाओ, तो उसी तरीके से मेरे मज़दूरों को और मेरे से जहाँ तक हो मैं उनकी मदद करता रहूँगा, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जो स्कीम है इसका लाभ ऐसे सब मज़दूरों को मिले, ये मेरी ऐसी इच्छा है। तमाम ही लोग आए, रजिस्ट्रेशन अकील भाई के पास कराए, मेरे से जो सही सिक्का लगता है मैं दूंगा, पूरी पूरी उनकी मैं मदद करूंगा, ऐसी मजदूरों से मेरी अपील है। मेरा नाम रफीक खान उस्मान खान है, ये हमारे अकील भाई है। हमने इनके पास मिस्त्री कार्ड बनाया था, और मिस्त्री कार्ड बनाने के लिए पहले हमें पेटी मिली, उसमें काफ़ी सारा सामान मिला, फिर उसके बाद नई योजना आई है सरकार तरफ से, तो ये सामान हमें मिल रहा है। ये हमारे हर मिस्त्री को बनाना चाहिए, इसमें हमारे लिए फ़ायदा है, हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए फ़ायदा है, और इसमें हर चीज़ हमारे काम के लिए, इसमें कुछ फ्रॉड नहीं है। और सरकार तरफ से कई सारी इनकी स्कीमें आती है, जैसे आपका बच्चा पढ़ाई कर रहा है उसके लिए स्कॉलरशिप के लिए पैसा आता है, अगर आपकी घरवाली की लेडीज़ की डिलीवरी होती है उसके लिए पैसा आता है, और काफ़ी सारे मायती सामान अपने उसमें मिलते हैं। अलग अलग स्कीम है, हर स्कीम आती रहती है, इसके लिए हमें साल में एक बार कार्ड रिन्यू कराना पड़ता है, जिसके लिए हमें अकील की ज़रूरत पड़ती है, और बहुत सी सारी स्कीमें यहाँ पे आती हैं। हमारे जितने मिस्त्री भाई हैं मैं उनसे ये कहूँगा कि आप सब भी अपना कार्ड बनाइए, अपने दोस्तों को बोलिए, अपनी फैमिली में जितने भी मिस्तर हैं, चाहे वो टाइल प्लम्बर हो, चाहे सेंटरिंग आदमी हो, फर्नीचर वाला हो, प्लॉटिंग हो, वो सब यहाँ रौनकाबाद गली नंबर 7 में हमारे अकील भाई काम करते हैं, इनके पास आइए, टाइल वाला हो, सेंटरिंग वाला हो, जो कोई भी हो, आके यहाँ फ़ायदा उठा सकता है।